हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देख रहे हैं टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए मई 2021 में उन लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी, इसको लेकर ये रीडिंग है। ये गर्ल्स बॉयज सभी के लिए रीडिंग होगी। जो सिंगल्स हैं, मैरिड हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, उन सभी के लिए रीडिंग होगी। मैं यहाँ कार्ड शफल करूंगी, आप चाहें तो कार्ड की शफलिंग को अवॉइड कर सकते हैं और डायरेक्ट टाइम स्टैम्प से जाकर रीडिंग को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं टैरो डेक के साथ और देखते हैं इस मंथ को लेकर आप लोगों की लव लाइफ को लेकर क्या मैसेजेस हैं। जजमेंट Ace of Cups, Devil, ये कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। काफी कुछ मैसेजेस हैं, तो जो पहले सिंगल्स हैं उन लोगों के लिए देख लेते हैं कि उनको किसका मैरिज प्रपोजल आ सकता है और कौन पर्सन उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ सिंगल्स के लिए ऐसे लग रहा है कि जो पर्सन आपके लिए आ सकते हैं वो होंगे प्रिंसेस ऑफ विंटर क्वालिटीज के। गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए मैं पर्सन वर्ड यूज कर रही हूँ। एंथुजियास्टिक होंगे, ट्रूथफुल होंगे, रियलिस्टिक होंगे, अनडिप्लोमेटिक होंगे। और जो मैसेज है वो मैं पढ़ देती हूँ। इन्फॉर्मेशन दैट कैन हेल्प यू बट विच मे ऑल्सो बी डिफिकल्ट टू हियर, स्पीकिंग द ट्रूथ विथ काइंडनेस एंड इंडिगो चाइल्ड और एडल्ट। जी, ये इस तरह के होंगे, काफी ट्रूथफुल होंगे, सच्चाई और इन्हें रियलिटी में रहना पसंद है और ये डिप्लोमेटिक नहीं है, बिल्कुल अपनी साफ तरीके से बात रखते हैं। इस तरह के पर्सन हो सकते हैं। द हर्मिट कार्ड भी है, वर्गो हो सकते हैं ये, और कुछ और क्वालिटीज भी आई है। गर्ल्स के लिए तो जहां प्रिंसेस ऑफ विंटर क्वालिटी की हो सकती हैं वो गर्ल, और वहीं अगर आप बॉय के लिए देख रहे हैं तो वो हो सकते हैं किंग ऑफ समर क्वालिटीज के। ऑनरेबल, डिवोटेड, मैच्योर, वार्म हार्टेड, काफी गर्म जोशी से मिलने वाले और सम्मानजनक होंगे और मैच्योर हैं माइंड से, और वहीं ये काफी रोमांटिक भी होंगे। और जो मैसेज है वो मैं पढ़ देती हूँ। ए रोमांटिक पार्टनर यू कैन ट्रस्ट, एक्सीलेंट एडवाइस दैट कम्स फ्रॉम द हार्ट, गेटिंग इन्वॉल्व इन ए कल्चरल और क्रिएटिव एडवर। जी, ये काफी रोमांटिक होंगे और काफी कह सकते हैं कि लाइफ को बहुत लाइटली लेते हैं, पर मैच्योरिटी रखते हैं माइंड से, पर लाइफ में काफी इंजॉय करना इन्हें पसंद है और ये काफी ट्रस्ट वर्थी हैं, यानी इनके ऊपर आप आराम से भरोसा कर सकते हैं। ये किसी तरह से आपको कोई इस तरह का मौका नहीं देंगे कि आप इनके साथ होके एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप आप आगे ले जा सकते हैं। ट्रस्टवर्थी पर्सन है, काफी विश्वास लायक पर्सन है और आपको ये पर्सन मिल सकते हैं मैरिज प्रपोजल के थ्रू, या वैसे भी आपके अप्रोच करे। और यहाँ कुछ लोगों के लिए वो हो सकते हैं एडवोकेट, जज या लॉ स्टूडेंट हो, और उनका हो सकता है मूलांक 523 नंबर आया है और ये चेंज का भी नंबर होता है 5। तो आपकी जो भी अभी चल रही है करंट सिचुएशन उसमें काफी चेंज आएगा। और ये जो पर्सन होंगे वो किंग ऑफ कप्स भी हमारे पास है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं वो, यानी कर्क राशि के, मीन राशि के और वृश्चिक राशि के वो हो सकते हैं। काफी इमोशनल हैं, अथॉरिटी पोजीशन पे हैं और क्रिएटिव उनका वर्क हो सकता है। और वहीं आप लोगों के लिए जो गर्ल इस मंथ में प्रपोजल आया गर्ल्स का स्पेशली, उनका नंबर हो सकता है
वन टू नंबर आया है जिसे ऐड करते हैं तो 3 होता है और ये उनका मुलांग हो सकता है। स्पेशली जो बॉयज देख रहे हैं उनके लिए जो गर्ल आ सकती हैं वो हो सकती हैं 3 नंबर हो उनका मुलांग, और वो काफी ब्यूटीफुल हैं, यंगर लुकिंग हैं और काफी माइंड से मेच्योर हैं और वो भी काफी फैशनेबल हैं। मैंने फैशन सेंस उनका बहुत अच्छा है और काफी अच्छा ड्रेसिंग सेंस है उनका, और आप उनके साथ काफी लोगों के लिए होगा कि ये शादी के लिए ऐसा प्रपोजल आए, क्योंकि यहाँ पीछे घर देख रहे हैं आप, तो आप लोग साथ में शादी का भी आप लोगों का हो सकता है काफी लोगों का। वहीं जो रिलेशनशिप में है उन लोगों के लिए भी काफी एनर्जीज आई है, जैसे डेविल अपीयर हैं, तो कुछ कपल्स अभी फेस कर रहे हैं अपने पर्सन से या पार्टनर से, जो मैरिड कपल्स हैं या रिलेशनशिप में हैं उनके कुछ पर्सन इस तरह का बिहेव कर रहे हैं जो काफी जेलसी और इनसिक्योरिटी, इमेच्योरिटी और कंट्रोल इश्यूज आप अभी फेस कर रहे हैं। काफी आपको कंट्रोल कर रखा है उन्होंने और उनको जेलसी भी है, कुछ कपल्स के बीच में ये हो सकता है, सभी के लिए नहीं होगा। इसी वजह से आप काफी स्ट्रक हैं, 8 of Swords एनर्जी में चले गए आप, और आपको लग रहा है सब बंधा हुआ है, आप सांस ही नहीं ले पा रहे, रास्ते आपको खुले हुए नहीं दिख रहे, और उनकी जेलसी और इनसिक्योरिटी और एंगर इश्यूज या एडिक्शन कुछ लोगों के लिए आपको बहुत परेशान कर रही है ये चीज, और इसी वजह से जहां अग्रेशन की 2 एनर्जीज आई है, दोनों रेक्स आई है, हॉस्टिलिटी का कार्ड आया है, तो आपके कुछ लोगों के कपल्स के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा, मे बी ब्रेकअप है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है या लॉन्ग डिस्टेंस है, और इसी वजह से और अग्रेशन काफी है आपके जो पर्सन है उनका, तो ऐसे पर्सन के साथ आपको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और जिन लोगों का रिलेशनशिप अभी आगे सोच रहे हैं आप बढ़ाने का, उसके लिए आपको यहाँ एक कह सकते हैं कि रिकॉल आपको अपने अंदर ही सोच के देखना चाहिए कि क्या ये पर्सन आपके लिए ठीक है या नहीं है, क्योंकि द डेविल अपीयर होते हैं तो वहां आपको थोड़ा हॉस्टिलिटी का कार्ड है, काफी अग्रेशन है आपके जो भी पर्सन हैं, और जिन लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है स्पेशली ये उनके लिए है, तो आप जो मांग रहे हैं वही आपको मिल भी जाएगा, मे बी आप इन्हीं के साथ अगर कंटिन्यू करना चाहें तो वो पर्सन भी आपको मिलेंगे, क्योंकि विक्ट्री कार्ड है, चाहे आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, पर आपको खुद से ही ये पूछना होगा कि आपके लिए क्या ये पर्सन ठीक है, क्योंकि आप इनके साथ काफी बंधावा महसूस कर रहे हैं, लाइफ पर्पस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और जहां आप लोगों के लिए डेविल है वहीं किंग ऑफ कप्स भी है, तो अगर आप इनका साथ छोड़ते हैं तो आपको कुछ नए प्रपोजल भी मिल सकते हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए होगा, और उस में आपको विक्ट्री मिलेगी और एप्रिसिएशन भी मिलेगा, आपकी काफी तारीफ करेंगे जो पर्सन आपको मई के मंथ में स्पेशली अप्रोच करेंगे, और ये काफी न्यू पर्सन ही लग रहे हैं, पर ये आपके ऊपर है कि आप किनके साथ जाना चाहें, कंटिन्यू करना चाहेंगे या किसी नए पर्सन के लिए देखेंगे जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, जिनके साथ आपको विक्ट्री भी मिलेगी, और जैसा आप चाहेंगे यूनिवर्स वैसा ही करेगा, अगर आप चाहते हैं उन्हीं के साथ कंटिन्यू करना तो वो भी होगा, और अगर आप किसी नए पर्सन के लिए देख रहे हैं तो वो किंग ऑफ कप्स एनर्जी के हैं, और यहाँ किंग ऑफ समर भी इसी तरह की एनर्जी है जैसे किंग ऑफ कप्स है, काफी क्रिएटिव रोमांटिक पर्सन है ये, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, और अपनी इनर कॉन्शियसनेस के साथ ये सोचिए कि आपके लिए क्या ठीक है, क्योंकि आपके लिए कॉफिन का कार्ड भी है, कुछ लोग तो इतना गिल्ट में चले गए, इतना स्ट्रेस आउट हो गए कि उन्होंने अपने आप को एक शैल की तरह बना लिया है, अपने आप को इतना बंद कर लिया है कि वो ओपन अप ही नहीं हो पा रहे, तो ये अब आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। और जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए यहाँ ये होगा कि वो भगवान से प्रार्थना करें, या कह सकते हैं जो भी आपका रिलीजन है उनसे आप कनेक्ट रहें ताकि आपको क्लियरिटी मिले और जो आप मांगेंगे वो ही मिलेगा। 4 of Wands कुछ लोगों की शादी सगाई का भी हो सकता है, कमिटमेंट भी हो सकता है। एज ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिल होगी, मजिशियन एंड मिरर एज ऑफ कप्स इसी तरह के कार्ड हैं कि जो आप चाह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो या वैसे भी, और आप लोगों के लिए जजमेंट, यूनिवर्स आपको जजमेंट देने के लिए तैयार है, नए रास्ते खोलने के लिए और रीबर्थ की तरफ आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो भी होगा, क्योंकि प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एक नई एनर्जी की बात करती है, एक नई फ्रेंडशिप आपको ऑफर हो सकती है और वो आपको काफी लाइट हार्टेड फील करवाएगी, आपका इनर चाइल्ड हील होगा और आप फाइनेंशियली भी काफी स्टेबल फील करेंगे इनके साथ,
तो ये जहाँ सिंगल्स के लिए काफ़ी सारे प्रपोजल हो सकते हैं, वहीं जो मैरिड हैं उन लोगों के लिए ये है कि वो स्पिरिचुअल रहें, और थोड़ा सा अगर आप रिलीजन को फॉलो करते हैं तो उसी तरफ आपको जाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए ताकि आपकी इनर पीस उन तक पहुँचे। और जो कंट्रोल इश्यूज वाले कपल्स हैं जिनके बीच में रिलेशनशिप है और अभी मैरिज जैसा कुछ नहीं सोचा है उन्होंने, तो उन्हें फिर से सोचना चाहिए क्योंकि आपके लिए और भी प्रपोजल हो सकते हैं, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किनके साथ कंटिन्यू करना चाहें। और अध्यात्म और धर्म आपको सही रास्ता दिखाएगा। वहीं आप लोगों में से काफी लोगों के लिए होगा कि आप अपनी जैसा हर्मिट कार्ड भी हमें कहता है कि स्पिरिचुअल होने की अभी आपको जरूरत है, जो मैसेज वो मैं पढ़ देती हूँ। फाइंड और बी ए मेंटर, टेक ए ब्रेक फ्रॉम सोसाइटी, ए कमिटमेंट टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये टाइमिंग आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बिल्कुल सही है। आपको किधर जाना चाहिए अगर आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं, तो आपको अभी स्पिरिचुअल होने, मेडिटेशन की या रिलीजियस जो भी आप प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, भगवान के जिस भी नाम पे आपकी आस्था है उनके साथ आप अगर जुड़ते हैं तो आपको बिल्कुल सही रास्ता मिलेगा और सही पर्सन भी आप लोगों के लिए आएंगे। और वहीं हम देख लेते हैं जो सिंगल्स हैं उनके लिए कौन से पर्सन उनको अप्रोच कर सकते हैं इस मंथ में, उनके अल्फाबेट्स अगर हम देखें, एन नाम से उनका नाम स्टार्ट हो सकता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, एम नाम से, यू नाम से, क्यू, क्यू से कम होते हैं इसलिए मैं एक को ले रही हूँ, एक्स, कुछ लोगों के एक्स भी बैक हो सकते हैं। वहीं जोडियक साइन अगर हम देखें तो टॉरस हो सकते हैं, वृषभ राशि के प्राइसेस हो सकते हैं, मीन राशि के जेमिनी, टॉरस आया है इसीलिए मैं एक और निकाल रही हूँ कि टॉरस के लिए टॉरस, कैंसर्स कर्क राशि के हो सकते हैं ये, और भी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। लव एट फर्स्ट साइट ये आप लोगों के लिए हो सकता है इस मंथ में। मैनिफेस्ट जी, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा हो सकता है, मैजिशियन एंड मिरर का कार्ड भी आया था हमारे पास। सक्सेस, आपको विक्ट्री भी आया है, सक्सेस रिलेशनशिप में जो स्पेशली इस मंथ में स्टार्ट होता है उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। फ्रेंड फर्स्ट जी, आपके फ्रेंड फर्स्ट बनेंगे, उसके बाद आपका आगे कंटिन्यू होगा। और आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू, आपके पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, ये मैसेज होगा। आई हैव डीप फीलिंग्स फॉर यू जी, जिनका रिलेशनशिप है ये या आपको जो मिलेंगे वो ये कहेंगे, मिस यू वेरी मच, मिस यू एवरी डे, मिस यू एवरी डे, वो आपको हर दिन याद करते हैं। और टू मी यू आर परफेक्ट, दो मैसेज इनसे भी देख लेते हैं। आई लव द वे यू लुक एट मी, आई मिस वैन वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम वैन वी आर टूगेदर, ये उनकी तरफ से मैसेज हो सकते हैं। तो आप लोगों के लिए यही रीडिंग थी, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।